नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व व्यापार न्यूज चैनल मीडिया ने विनीता के साथ। आई नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। पुलिस ने जहांगीरपुरी पहुंचे कांग्रेस डेलीगेशन को रोका, पीड़ित परिवार से नहीं करने दी मुलाकात। दिल्ली के जहांगीरपुरी में गुरुवार को कांग्रेस का डेलीगेशन अजय माकन के नेतृत्व में पहुंचा। वो यहां पीड़ित परिवारों से मिलने आए थे। पुलिस ने इस डेलीगेशन को पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं जाने दिया। इन लोगों को उस जगह जाने को भी रोक दिया गया जहाँ हिंसा हुई थी। माकन ने कहा कि हम यहां इसलिए आए हैं ताकि पीड़ितों को धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना 5 मेंबर्स का डेलीगेशन जहांगीरपुरी भेजने का फैसला किया है। इसकी अगुवाई में टीएमसी सांसद काकोली घोष करेंगे। इस बीच हिंसा के 3 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए गृह मंत्रालय को डॉजियर सौंपा जाएगा। इससे पहले जहांगीरपुरी में ऑपरेशन बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में पहले जैसी स्थिति बरकरार रखी जाएगी, यानी कि वहां पर अतिक्रमण पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। अदालत ने साफ किया है कि यह आदेश पूरे देश पर लागू नहीं होगा। अदालत 2 हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई करेगी। जमीयत उलेमा ए हिंद ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बुधवार को दिल्ली नगर निगम MCD के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण गिराने की कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन कार्यवाही शुरू होने के 1 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। दरअसल जमीयत उलेमा ए हिंद ने MCD की कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। कोर्ट से अपील की कि बुलडोजर चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश दे। इनमें से पहले याचिका को बिना नोटिस के बुलडोजर चलाकर स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी नागरिक अधिकार से वंचित करने की बात कही गई थी। वहीं दूसरी अर्जी में देश के कई राज्यों में किसी भी आरोप के खिलाफ बुलडोजर चलाने की सरकार प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश देने की अपील की गई थी। जहांगीरपुरी पहुंचे OVC बोले MCD की कार्यवाही गलत। बुधवार शाम को MIMIM प्रमुख असदुद्दीन OVC ने जहांगीरपुरी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बिना नोटिस दिए MCD का कार्यवाही करना गलत है। OVC ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि मुझे वहां नहीं जाने दिया गया जहां कार्यवाही की गई है। कार्यवाही ने लोगों को रोजगार खत्म कर दिए हैं। हमें उम्मीद है आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।